सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। तिरंगा मय हुआ आज पलामू जिला का मुख्यालय। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा था, चाहे वह किसी का प्रतिष्ठान हो या घर या फिर चौक चौराहों पर लगने वाले ठेला खोमचा। जी हाँ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज जहाँ पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं तिरंगा झंडों से पूरा बाजार पट गया है। इस जश्न का सीधा असर पलामू में भी दिखा। पलामू जिला मुख्यालय में आज जश्न का माहौल दिखा। जिले के सांसद विधायक के साथ साथ जिले के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक उप विकास आयुक्त समेत तमाम अधिकारी व कर्मचारी हाथों में तिरंगा थाम भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान पूरा समाहरणालय परिसर भारत माता की जय घोष से वातावरण गुंजायमान होता रहा। वहीं अलग अलग संगठनों के द्वारा कहीं पर तिरंगा यात्रा तो कहीं पर मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा तो कहीं हाथों में झंडा लिए क्या महिला क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर तरफ सिर्फ भारत माता के जय घोष से पूरा जिला मुख्यालय गुंजायमान हो रहा था। इसी कड़ी में पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित महिला तिरंगा यात्रा, जिसका नेतृत्व शहर की महापौर अरुणा शंकर के द्वारा किया गया, जिसका आगाज आज डाल्टनगंज के हृदय स्थल राजेंद्र प्रसाद चौक से किया गया। इस तिरंगा यात्रा में पलामू सांसद बिडिराम, विधायक आलोक चौरसिया, रांची की महापौर डॉक्टर आशा लकड़ा, आयुक्त पलामू, पुलिस अधीक्षक, भाजपा के राष्ट्रीय महिला मंत्री, भाजपा प्रदेश महामंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप महापौर मंगल सिंह, मेदनी नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद, भाजपा मंत्री मनोज सिंह, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आकर्ष आनंद, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रूपा सिंह, भारतीय कला बोर्ड के सदस्य, पलामू भाजपा एवं चैम्बर की ओर से योजना अध्यक्ष संजय कुमार एवं चैम्बर के सदस्यों ने मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत 101 तिरंगा बैलून व 11 कबूतर को उड़ाकर 1100 पटाखे फोड़े और फूल के बौछार के साथ यात्रा का प्रारंभ किया। यह यात्रा छमुहान से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। जिस रोड से यात्रा गुजर रही थी वहां फूलों की वर्षा की जा रही थी। कार्यक्रम में यात्रा के दौरान काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी, साथ ही शहर के कई गणमान्य संस्था ने अपनी अपनी सहभागिता निभाई। तिरंगा यात्रा में पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लायंस क्लब, रोटरी क्लब, गायत्री महापीठ, NULM, सहिया कॉलेज की छात्राएं, स्कूल के बच्चे व कई संस्थानों के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में नागपुर और मुंबई से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। धमाल बैंड भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। गायत्री परिवार की वाहनों का नेतृत्व अहिल्या गुप्ता ने किया और सबको टीका लगाकर स्वागत किया। रैली में भारत माता की प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय घोष के नारे गूंज रहे थे। सभा का संचालन इंद्रजीत सिंह डिंपल कर रहे थे, वहीं यात्रा का संचालन विजय ओझा कर रहे थे। वहीं छमुहान पर आयोजित कार्यक्रम में युवक व युवतियों ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया व देशभक्ति के रंगों में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम को सजाने और व्यवस्थित करने में कृष्णा अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, रिंकू दुबे, भूपेंद्र सिंह, सुधांशु शंकर, राकेश कुमार, फिरोज अंसारी, अरविंद गुप्ता, सुनील गुप्ता, अमित जायसवाल, रंजीत मिश्रा, राजदेव उपाध्याय, प्रदीप कुमार बाबुल, आलोक माथुर, रितेश कुमार, संजय कुमार, प्रदीप अग्रवाल एवं काफी संख्या में सदस्यों ने अहम भूमिका निभाया। कार्यक्रम में भारत माता बनी मधु कुमारी को सभी ने सराहा एवं विक्रांत सिंघानिया और साथियों ने बाजार क्षेत्र में पूरा सुरक्षा का भार संभाल रखा था।